नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल सिंपल सी बात के बारे में जानेंगे और वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, इन द मनी कॉल क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल, या इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो बड़ा सरल सा तरीका है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने जो है ये स्ट्राइक प्राइस लिख रखे निफ्टी के 21,850, 900, 950, 22,000, 22,050, और इधर मान लीजिए कॉल के रेट्स हैं और उधर पुट के रेट्स हैं। अब अगर फर्ज करें कि निफ्टी जो है वो इस समय 22,000 पे है, 22,000 से 5-6 पॉइंट ऊपर है, 5-6 पॉइंट नीचे, बिल्कुल स्लाइटली आप ये समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि 21,000 आप ये कह सकते हैं 995 या 22,005 इस रेंज के आसपास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो 22,000 की जो कॉल या पुट, इनके जो भी रेट होंगे, वो हम इस समय रेट की बात नहीं कर रहे, जो 22,000 की जो कॉल होगी और जो 22,000 की पुट होगी जहां पर कि अभी निफ्टी चल रहा है, इनको कहा जाता है एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट। तो यानी ये एटीएम में लिखा हुआ है एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट के लिए। अब ऐसे ही जो 22,000 पे निफ्टी चल रहा है तो 22,000 से नीचे की जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उनकी कॉल्स को, उनके कॉल के रेट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही होंगे, तो उनकी जो कॉल्स होती हैं, उनको कहा जाता है इन द मनी कॉल्स। तो ये सारी जो कॉल होंगी इनको हम कहेंगे इन द मनी कॉल्स। और 22,000 से नीचे की जो पुट है वो होती है आउट ऑफ द मनी पुट्स। यानी कि 22,000 से नीचे की कॉल्स होती है इन द मनी कॉल्स, लेकिन 22,000 से नीचे की जो पुट्स होती है वो होती है आउट ऑफ द मनी पुट्स। ठीक है, ऐसे ही 22,000 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस जो है 22,050 से 100, 150, ये जो कॉल्स होती हैं इनको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल्स। ये होगी आउट ऑफ द मनी कॉल्स। और 22,000 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस की जो पुट्स होती हैं इनको बोला जाता है इन द मनी पुट्स। तो ये क्यों है? बेसिकली बड़ा सरल सी बात ये है, मान लीजिए 22,000 का भी निफ्टी है, अभी 22,150 की जो कॉल है वो ये मान के चल रहे कि निफ्टी 22,150 तक जाएगा, अभी पहुंचा नहीं है, आप दूर की बात कर रहे हैं, इसलिए उन कॉलों के रेट जो है वो कम होते हैं और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ती जाएगी उन कॉलों के रेट और कम होते जाएंगे। तो ये होती है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी कॉल्स की बात है कि ये तो निफ्टी ऑलरेडी इन लेवल्स को क्रॉस कर चुका है इसलिए ये इन द मनी कॉल्स हुई। ऐसी अगर पुट की बात करें, 22,000 पे अभी निफ्टी है और वो नीचे अभी गिरना बाकी, अभी नीचे नहीं गिरा है, आप अगर 21,800 की पुट ले रहे हैं इसका मतलब कि आप ये मान के चल रहे कि यहां से 200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, अभी गिरा नहीं है, तो इसलिए ये जो होती है ये आउट ऑफ द मनी पुट्स कहा जाता है, इनके रेट कम होते हैं और ये जो है ये इन द मनी पुट्स है। तो आशा करता हूं आज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो और भी कोई आपको कोई सवाल, आप कुछ सीखना चाहते हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित जानकारी जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।